हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने वीडियो के टॉपिक को जानते हैं और फिर जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, कोरोना की सेकेंड वेव के बाद ना स्कूल कॉलेजेस की ओपनिंग को अब 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। सो उसके बाद फिर से यही अफवाहें आ रही थी कि थर्ड वेव जो है वो अक्टूबर में आ सकती है, लेकिन दोस्तों अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और फेस्टिवल सीजन जो है वो भी अब शुरू हो चुका है। तो क्या अब कोई ऐसे हालात बन रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि शायद स्कूल कॉलेज फिर से बंद हो सकें? तो आज की इस वीडियो में हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जीडी टेकी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने ना एक नोटिफिकेशन जारी किया है एक हफ्ता पहले कि इस टर्म के जो एग्जामिनेशन है वो भी 2 पार्ट्स के होंगे। जी हाँ दोस्तों, लगातार हम उसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। 2 टर्म में एग्जाम लेने का क्या मतलब होगा? सबसे पहले मैं आपको सर्कुलर दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे आप सर्कुलर देखेंगे, पीडीएफ फाइल खुलती है तो उसमें नीचे ना कुछ हिदायतें लिखी गई हैं। देखिए, टर्म वाइज पाठ्यक्रम की वंड प्रश्न पत्र की रूपरेखा अनुसार मॉडल प्रश्न पत्र और होर हिदायतें बोर्ड की वैबसाइट से उपलब्ध कराई जाएंगी। हरेक टर्म की प्रीख्या के समय कोरोना महामारी के हालातों को मुख रखते हुए प्रीख्या की विधि संबंधी बोर्ड वालों लिया गया फैसला ही अंतिम फैसला होएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन है वो तो केवल हो रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के आधार पर, और जो 8 400 400 400 एक ऐसा एजुकेशनल सॉल्यूशन जिसमें आपको चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या हो बायोलॉजी, किसी भी प्रकार का एजुकेशनल डाउट होगा, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और वो भी अपने व्हाट्सएप पे। आपको करना क्या होगा, इसी नंबर को सेव करना होगा और जो भी आपका क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन की पिक्चर खींचनी है और सेंड करनी है इस व्हाट्सएप नंबर पे, और विद इन 5 सेकंड्स आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, चाहे वो क्लास 6 से 12 तक के हो, आईआईटी जेई मेंस हो या फिर सीबीएसई या फिर किसी अदर बोर्ड से हो। सो दोस्तों, आपको करना क्या है, इस नंबर को सेव करना है 8 400 400 400। तो दोस्तों, इंतजार किस क्वेश्चन पेपर आएंगे, उनकी जो टाइमिंग होगी वो सिर्फ 1 घंटा होगी। अगर हम बात करें सीबीएसई की, तो सीबीएसई भी फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन एमसीक्यू के आधार पे ही ले रहा है, लेकिन जो टाइमिंग होगी वो 1.5 घंटे की होगी। दोस्तों, अब आप इसी खबर से अंदाजा लगाइए, क्योंकि नीचे मेंशन किया गया है टर्म दी परीक्षाओं के समय कोरोना महामारी के हालातों को मुख्य रखते हुए, तो इसका मतलब क्या है, कोरोना फिर से आ सकता है? जो बोर्ड है एजुकेशनल बोर्ड, चाहे हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बात करें, चाहे हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, या फिर हम स्कूल कॉलेजेस के अलावा यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो क्या ये हिदायतें देने का मतलब यही है कि क्या फिर से कोरोना की वेव आ सकती है? बाकी दोस्तों, अगर हम बात करें कोरोना की, तो फेस्टिवल सीजन शुरुआत हो चुकी है, अभी तक कोई भी ऐसी हिदायतें नहीं जारी की गई जिससे ये साबित हो कि फिर से स्कूल कॉलेज जो है वो क्लोज हो सकते हैं। सो इसीलिए हम तो स्टूडेंट्स को यही एडवाइस देंगे कि अपनी जो तैयारी है एग्जाम्स की वो आप पूरी रखिए, तैयारी करनी शुरू कीजिए, क्योंकि इस बार हो सकता है कि कोरोना की जो थर्ड वेव है वो आगे की ओर शिफ्ट हो जाए और आपके एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किए जाएं। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर फिर भी आपको कोई डिटेल में जो हमने बताया कुछ ना पता चला हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही।